They say that they had detonated it through a suicide bomber. They do not say that it was a remote control as far as this particular attack on the U.S. consulate itself was concerned. The choosing of U.S. consulate itself was because of their animosity towards the United States of America, as they say, because of its, because of, as per their statement, its role in Afghanistan. So they wanted, they are basically, as they have said in Urdu in front of all of you, they wanted to damage USA, its interests, and all the people or the agencies which were supporting it or were friendly to it. To conclusively say that they have direct links with Al-Qaeda or whether those Arabs were actually part of Al-Qaeda, we cannot make any comment on that at this point in time. It's at best anybody's guess. और तमाम बैंक्स पाकिस्तान रेंजर से की तरफ से हेडक्वार्टर पाकिस्तान रेंजर से मैं खुश आमदीद कह रहे मुसलमान हम जो है अमेरिकन कॉन्सुलेट की कार्रवाई के अंदर मुलव्वस हैं. इस कार्रवाई के अंदर एक हमने सुजुकी परचेज़ की थी जो जब चीफ साहब आ रहे थे उस वक्त परचेज़ की थी जो काम नहीं हो सका. इसके बाद फिर वही गाड़ी हमने अमेरिकन कॉन्सुलेट के लिए इस्तेमाल की. हमारा आपस में मशवरा भी हुआ. इसके बाद हमने जो है ब्रीफिंग दी कि हमने पूरा बारूद उसके अंदर लोड किया और एक साथी जो उसके लिए तैयार था वो उस गाड़ी को ड्राइव करते हुए लेकर गया और अमेरिकन कॉन्सुलेट की दीवार से जाकर उसने फायर किया. उसके बाद जो है वो ग्रेनेड जो है वो पुलिस पर जो फेंके गए जी. अमेरिकन कॉन्सुलेट में काम था. इसमें कुछ साथी इसमें थे मेरे साथ जो है हनीफ थे आतिफ थे और कामरान वगैरह जो उनका आपको नाम मालूम है. उस सिलसिले में जो है जो ज़्यादा बड़ा काम कर रहे थे वो एक मुस्तफ़ा नाम का एक आदमी था वो ज़्यादा काम कर रहा था और उसी सिलसिले में उसने जो है ना एक अपना खुदकश लड़का भी लेकर आया हुआ था और जो कि मैं खुदकश का एग्री नहीं होता था इसलिए वो आज़ादी तौर पर अपना खुदकश लेकर आया हुआ था. खुद आप देखने ये चलता है तो वो आगे प्रोपेल करके आगे जाता है. प्रोपेलजन चार आप लाइव थे हमने इनको